उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में पुत्र वधू ने अपने रिटायर्ड दरोगा ससुर राजेंद्र पर डरा धमका कर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत की है। शिकायत में महिला ने कहा है कि उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया है। विरोध करने पर ससुर राजेंद्र ने पीड़िता और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता के परिजनों का भी आरोप है कि शादी के 4 माह बाद से ही ये हरकत सामने आई थी, लेकिन उस समय आरोपी ने माफी मांगकर मामला रफा दफा हो गया था। दामाद राजेंद्र बहुत सीधा साधा है और अपने पिता से डरता रहता है। आजमगढ़ के रहने वाले पीड़िता के दादा पोती के बुलाने पर गत दिवस यहाँ आए थे। बता दें कि पीड़िता ने थाना पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है ताकि आरोपी राजेंद्र को दंड मिल सके। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो गई है जिसकी जांच कराई जा रही है। जो भी सत्यता सामने आएगी दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, चाहे वह रिटायर्ड दरोगा हो या पुलिस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ, मामला क्या है पूरा? ये हमें तंग करते हैं। कौन है, कहाँ के हैं? दरोगा। क्या नाम है दरोगा जी? राजेंद्र सिंह। क्या लगते हैं आप? ससुर। तो क्या घटना आपके साथ घटी है जो आप यहाँ प्रधान जी के यहाँ पर आई हुई? मुझे तंग करते हैं। किस तरह से तंग करते हैं? मुझे डराया धमकाया जाता है, दिमाग पे छुरी कट्टा उट्टा रख के बलात्कार किया जाता है कि मेरे साथ तू शादी कर ले, मेरा सेज पे आ जा। मैं कहूँगी पापा, आप मेरे पापा हैं, आप ऐसी बात मत कीजिए, शादी हुई है आप, मैं आपके बेटे से। कहते हैं तू अब मेरे बेटे के लिए नहीं, तू मेरे लिए आई है, तेरे माँ बाप बाबा को पैसे दिया हमने, तू खरीद के आई है, मोल की आई है, तू बार बार हमें यही कहा जाता है तू खरीद के आई है। अब मुझे कमरे से निकाल के बाहर सुलाया जाएगा, कमरे में भी रहूंगी तो पंखा बंद कर दिया जाएगा, मैं सोती रहूंगी तो जंगला खोल के देखेंगे कैसे सो रही है। तो इस चीज का आपके पति विरोध? तो क्या पति उनके सामने की बातें ये सब होती हैं, गंदी संदी गालियां देंगे लेकिन वो कुछ ना बोलेंगे, चुपचाप से नीचे करके देखा करेंगे। वहां तक वो भी हमें डांटने लगते हैं। क्या नाम है आपके पति का? रविंदर। तो क्या आपने कभी पुलिस को या कहीं सूचना दी इस घटना को लेकर? विरोध नहीं किया आपने? ये कहते हैं कि मैंने पुलिस को सबको मैं पैसा दे दिया हूँ, पटा लिया हूँ सबको, वे सब मेरा कुछ नहीं कर सकते, तू जा कुछ भी कर ले। तो अब आप कैसे निकल गए घर से? कौन, क्या क्या आपके मन में आया सर जो आप यहाँ तक आई हैं? कल ऐसी बात ही आ गई कि जो मेरे बाबा मुझे लेके चले कि चल यहाँ से, अभी इन सबके पास मत रहे, कहें कि तू अगर मुझे फंसाया तो समझ तेरे सब घर को मार दूंगा। धमकी दी जा रही है? हाँ, हमेशा धमकी दी जाती है। धमकियों से पहले शादी हुई थी आपकी इनके साथ? नवरात्रों में हुई थी, नवरात्रों में साल भर है। नौ देवी को साल भर हो गया। साल भर हो गया, क्या है? हमारी नतनी थी, मैं आया था। क्या हुआ था? लड़के साथ अत्याचार हो रहा था। किसने किया? रविंदर, राजेंद्र दरोगा सिंह। कौन है लड़की के बाबा है? अच्छा, क्या अत्याचार हो रहा है? जो जा रहा है उसके साथ बलात्कार कर रहा है, धमका चमका करके, कट्टा दिखा करके, तलवार दिखा करके, जबरदस्ती। अच्छा, इसका विरोध उसके पति नहीं करते? पति सीधा आदमी सर है। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन? हम प्रशासन से हम न्याय चाहता हूँ कि जो न्याय है वो हमारे पोती के साथ होते हैं, पुलिस जो है जो दंड दे उसको, जो भी कुछ कहे करें। अब कानून कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कानून कार्रवाई में चाहता हूँ। अच्छा, आपकी बेटी ने आप कितने समय पहले आपको बताया ये सब कुछ? ये तो 4 महीने बाद ही से सब बातें हम लोगों को मालूम होते होता था। एक बार हम चंदोज भाग गई थी वहाँ जलगाँव, जलगाँव से सब पकड़ के ले गए, बड़ी मार मारे इसको। हम लोग 4 दिन बाद आए, दरोगा ने मुझको छत पर ले जाकर हाथ जोड़ लिया कि हम गलती नहीं करेंगे सर।
हमने कहा ठीक है गलती मत करो, एक बार मैं दखल दे रहा हूँ, मैं सी ओ साहब के गया चंदोसी कागज दरखास्त लिख के दो, मुझको आदमी पकड़ के ले गए उसे घर छत पर चढ़ा चढ़ करके मुझको हाथ जोड़ कर कहा कि गलती भैया नहीं करेंगे हमको पकड़ दो, मैं इसकी माँ को इसके बाप को अपने एक आदमी मेरे गांव का आया था उसको चारों आदमी हम लोग चले गए घर समझा बुझा करके, फिर अत्याचार करने लगा। तो अब कब सर निकले हुए घर से आप? हमको तो निकल गए सर 2 महीना से ऊपर हो गया। अब यहाँ से कब निकले थे बरौली से? तो कहाँ रुके आप? प्रधान जी सर, एक बिलारी क्षेत्र के बरौली गांव में एक महिला ने अपने ससुर पर आरोप लगाया है रेप का, क्या मामला है? इसमें हम लोग जांच करवा रहे हैं क्योंकि एक पारिवारिक मामला है, तो इसमें पहले ये कन्फर्म हो जाना जरूरी कितनी सत्यता है कितनी नहीं है, और सत्यता के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। सर जैसे कि बताया जा रहा है कि वो रिटायर्ड पुलिस में है, रिटायर हुए हैं पुलिस से? नहीं, उससे रिटायर हुए हैं नहीं हुए हैं उससे नहीं, जो अभियोग में जो विवेचना में या जो जांच में आएगा वही होगा, किसी के रिटायर होने से ना होने से या पुलिस में होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.